केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खबर साहिबगंज से है, जहां बीते दिनों अवैध खनन को लेकर डीसी कोर्ट में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव पर चल रहे अवैध खनन के मामले में डीसी रामनिवास यादव 3,24,00,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है, जिससे पत्थर कारोबारियों और माफियाओं में हड़कंप और खलबली मच गई है। बीते दिनों झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी बजरंगी प्रसाद यादव पर 74,00,000 रुपए का भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है। बजरंगी यादव पर अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को लेकर भारी भरकम जुर्माना लगने से इनके राजनीतिक सामाजिक शाख पर धब्बा लगा है। बजरंगी यादव पर भारी भरकम जुर्माना लगने की खबर जिले में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई है, जिसको लेकर के लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। तो कुछ लोग चटकारा लेकर मामले का मजा ले रहे हैं। अब देखना ये है कि बजरंगी यादव इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। अरे एक भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।